दोस्तों कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में कुछ भी हो सकता है। बड़ी सी बड़ी टीम हार सकती है और जिस टीम को कम आंका जाता है वो जीत सकती है। कुछ ऐसा ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के 11वें मैच में हुआ। दो बार की T20 चैंपियन वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। होबार्ट में हुए इस मुकाबले में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम का इस टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। वही आयरिश टीम सुपर 12 राउंड में पहुंच गई। वेस्टइंडीज की हार की वजह उसके बल्लेबाज और गेंदबाज रहे। पहले बल्लेबाजों ने 20 ओवर में महज 140 रन बनाए और उसके बाद आयरलैंड के बल्लेबाजों ने विंडीज गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पॉल स्टर्लिंग, कप्तान एंड्रयू बलबर्नी और लार्कन टकर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। वही वेस्टइंडीज टीम के इस हार ने पूरी टीम के साथ साथ कप्तान निकोलस फुरन का भी दिल तोड़ दिया। वही दोस्तों आयरलैंड की जीत से भारतीय टीम को बड़ा फायदा हुआ। सुपर 12 में भारत की भिड़ंत अब किसी बड़ी टीम के बजाय आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड या जिम्बाब्वे के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगी। कहीं ना कहीं भारतीय टीम को वेस्टइंडीज की हार से फायदा हो गया, क्योंकि अगर वेस्टइंडीज भारत के ग्रुप में आती तो भारत को विंडीज टीम से खतरा साबित हो सकता था। साल 2016 के T20 विश्व कप में भी भारत वेस्टइंडीज के हाथों मिली हार के बाद ही बाहर हुआ था। वही वेस्टइंडीज के बाहर होने से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार है। पाकिस्तान की टीम हर बार T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को मात देती है। ऐसे में वेस्टइंडीज के बाहर होने से आयरलैंड की टीम इस ग्रुप में आती है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आयरलैंड एक बार T20 मैच में पाकिस्तान को मात दे चुका है।